उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की कांट विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुरेठा में श्रम विभाग की ओर से श्रम कार्ड आवेदन कैंप लगाया गया, जिसमें भारी संख्या में क्षेत्र की जनता द्वारा आवेदन प्रक्रिया की गई। आपको बताते चलें कि भारत सरकार द्वारा पूरे देश में जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और इन्हीं योजनाओं में श्रम विभाग की योजना है, जिसमें मजदूरों के कार्ड बनाने के बाद उनको तमाम योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अभिनय चौधरी द्वारा श्रम विभाग के दिशा निर्देशन में कांट विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुरेठा में एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की जनता द्वारा बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया गया। श्रम कार्ड बना रहे कर्मचारी द्वारा बताया गया कि भारत सरकार की योजना गरीब जनता के लिए, मजदूरों के लिए चलाई जा रही है, और सरकार की योजनाओं से तमाम लाभ देश की जनता को मिल रहे हैं। आज वे गुरेठा गाँव में पहुँचे हैं, जहाँ पर उनके द्वारा ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं। किसकी योजना है ये? प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की योजना है। अच्छा, तो कितने लोग आ चुके हैं सुबह से अभी तक? करीब मैंने बनाते होंगे कार्ड हो गए हैं लोग। अच्छा, जो लोग रह गए उनसे भी क्या कहना चाहोगे? सरकार अभी नई योजना लेकर आई है, काफी अच्छा हुआ है, इसमें काफी फायदे हैं। 2 लाख का इसमें दुर्घटना बीमा योजना मिलता है, और इसका आवास योजना में भी बहुत फायदा मिलने वाला है आने वाले समय में। सरकार ने इसका दे दिया है, मूल टैक्स दे दिया है। जैसे जो लोग रह जाएंगे तो फिर वो कहाँ संपर्क करेंगे? वो लोग हमारे केंद्र संपर्क कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अभिनय चौधरी भाजपा नेता होने के साथ साथ एक समाज सेवी के रूप में भी बीते लगभग 2 दशक से जनता के लिए बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। आज उनके द्वारा अपनी ग्राम पंचायत गुरेठा में कैंप का आयोजन किया गया। सबसे पहले उन्होंने घर घर जाकर श्रम विभाग की योजना के लाभ बताए और सभी को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि योजना गरीबों के लिए कल्याणकारी है, मजदूरों के कल्याण के लिए है, इसलिए सभी लोग आवेदन करें, और आवेदन प्रक्रिया उनके निवास पर बिल्कुल निशुल्क की जा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित की गई है। हमारे संवाददाता ने जब भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता से बात की तो भाजपा के युवा नेता अभिनय चौधरी द्वारा अपनी बात को व्यक्त करते हुए कहा गया। नमस्कार, मैं हूं शकील सैफी, आप देख रहे हैं सिटी चैनल मुरादाबाद। सिटी चैनल पर आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिनय चौधरी, जो उनके यहाँ पर एक कैंप लगा है जो जनता के लिए कल्याण के लिए है। सरकार की ऐसी तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं जो सरकार जनता तक पहुँचा रही है, और उसका सहयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, जो अपने गाँव में अपने गाँव के आसपास तमाम लोगों को उन योजनाओं का लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं। तो आइए, आज वो हमारे साथ हैं, मिलते हैं अभिनय चौधरी जी से। चौधरी साहब, आज किस चीज़ का कैंप लगाया आपने? आज हमारे यहाँ श्रम विभाग का ई श्रम कार्ड बनाने के लिए कैंप लग रहा है, और ये फ्री कैंप है। कई बार क्या होता था, हमें जानकारी मिलती थी कि सरकार की इन योजनाओं का लोग जो है लोगों से, गरीब लोगों से उल्टे सीधे पैसे कोई 200-300 रुपए लेकर कार्ड बनाए जा रहे थे, ऐसी जानकारी हमें मिलने आ रही थी। तो हमने अधिकारियों से बात करी और उन्होंने कहा नहीं, ये कैंप क्योंकि सरकार की तरफ से है और ये सभी के फ्री कार्ड बनाए जाएंगे, तो आज उसी के तहत एक मुफ्त कैंप यहाँ लगवाया है, और जिसमें सुबह से लेकर लोग आ रहे हैं और सबके ई श्रम कार्ड बन रहे हैं, मुफ्त कार्ड बन रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो सरकार चूँकि बीजेपी का जब उदय हुआ था, तो इसके नेता थे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने नारा दिया था अंत्योदय का यही अर्थ था, जिसको आज पूर्ण रूप से इस देश में उत्तर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी साकार कर रहे हैं। उस सपने को गाँव के उस आखिरी कोने में बैठे आखिरी पंक्ति के व्यक्ति के लिए चिंता करने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसी के तहत ये ई श्रम कार्ड जो हैं श्रमिकों के बनाए जा रहे हैं, और इससे निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। 5 लाख तक का ट्रीटमेंट उनका फ्री होगा, एक्सीडेंटल क्लेम 2 लाख का है, और भी बहुत सारी क्षेत्र में ये लाभकारी होने वाला है। तो सरकार बहुत सी योजनाएँ चला रही है, तो आगे आपके क्या प्रयास रहेंगे? हमारा यही प्रयास है कि सरकार बहुत ईमानदारी से, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से इस प्रदेश और देश में बनी है, वो बहुत ईमानदारी से भारत के नागरिकों के लिए, गरीब के लिए, कमजोर के लिए काम कर रही है, और जो योजनाएं वो लेकर आती है वो धरातल पर साकार हों, धरातल तक पहुँचे, और जो लाभार्थी है इसको लाभ मिलना चाहिए, उस लाभार्थी तक वो चीज़ पहुँचे, उसके लिए हम संगठन के पदाधिकारी होने के नाते उसका प्रयास कर रहे हैं। जो लोग रह गए हैं उनसे भी क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा सभी से यही अपील रहेगा और सबसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सरकार है, कमजोर की सरकार है, मजदूर की सरकार है, आप लोगों की सरकार है, आइए आप और सरकार का लाभ उठाइए, और जो सरकार आपको सुविधाएं दे रही है उन सुविधाओं का फ़ायदा उठाइए, और ये सरकार चिंता करती है गरीब आदमी की, गांव के आदमी की। तो यही कहना चाहूँगा कि श्रम आज हमारे गांव में कैंप लग रहा है, हम दूसरे अन्य गांव में भी संबंधित अधिकारियों से बात कर इस कैंप को लगवाएंगे, और ये फ्री ई श्रम